चुका मेरी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे आप लोग, होप करता हूं सब बढ़िया होंगे, मजे करेंगे। तो मैं आपका प्यारा जिमी आ चुका हूं आप सबके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके। और तू चमकादर से चुप हो जा, ठीक है? देखो व्लॉग में क्या लिया, कति राजू होने लग रही है। तो ठीक है गाइस, आप देख ही सकते हो, अभी मैं हूं अपने कॉलेज की बिल्डिंग के पास और आप देख ही सकते हो पूरा, जैसे कि मैं आपको दिखाई रहा हूं। अब आप पूछोगे चश्मे बदूर से पीछे कौन है यार, ये लड़की मेरे घर के पास में रहती है। और साथ ही साथ मैंने इसे बोला कि यार मैंने असाइनमेंट वगैरह बना दिया कर, तो ठीक है मैंने असाइनमेंट वगैरह बनाने के लिए रेडी हो चुकी, इसीलिए मैंने सोचा ठीक है इसको भी दिखाई देता हूँ आपको। तो यही है, वो असाइनमेंट वगैरह मेरा बना देगी, बाकी कीड़िंग वगैरह मैं पूरी कर रहा हूँ कॉलेज में। आप देख ही सकते हो बिल्कुल मजा आ गया। और कल तो आपने देखा ही था यार गाइस, कॉलेज में क्या ही लफड़ाबाजी हुई थी, पुलिस अंकल मेरे पीछे पड़ गए थे, वो तो मैं शुक्र करो क्लास में भाग गया था। हालांकि प्रिंसिपल वगैरह ने मुझे वार्निंग दे दी थी फिर, पर चलो कोई नहीं यार, इतना नहीं डरता यार तुम्हारा जिम्मी, ऐसी फट्टू थोड़ी हूँ मैं। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, आज मैं कॉलेज आया हूं अपनी नई मर्सिडीज में, मेरी तो नहीं फिलहाल पिताजी की नई मर्सिडीज में। तो काफी लोग पूछो यार एक नंबर की मस्त लग रही है, तो आपको कैसी लगी गाइस हमारी मर्सिडीज जो कल हमने ली थी, एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। और अभी मैं बता देता हूं हम कहां जाने वाले हैं। तो पहले तो इस मोहतरमा को गाइस इसके घर पे छोड़ना है, चल आ जा भाई जल्दी जल्दी आ जा आ जा आ जा भूतनी की। तो देख ही सकते हो गाइस वो आई रही है, और कॉलेज में सारे अपने लगे पड़े हैं, बातचीत वगैरह चल रही है, जिसको क्लास लेनी है वो क्लास ले रहे हैं, जिसको खेलना है वो खेल रहे हैं, जिसको बातचीत करनी है वो बातचीत कर रहे हैं, जिसको मजे लेने वो मजे ले रहे हैं। ओके तो देख ही सकते हो मैं बिल्कुल फॉर्म में निकलता हूँ, क्योंकि मैं डरता किसी से नहीं हूँ भाई। चल भूतनी के पूरा मेरे आगे अकड़ेगा तो ऐसे ही होगा ना गाइस। भाई तू क्या कर यार मेरे से, गाइस डरते हैं ना सारे, देखो ये देखो बदमाशी चलती है मेरी पूरी, ठीक है कोई सा फालतू मना बोल दियो, देख रहे हो गाइस यार ऐसे हल्के में थोड़ी है जिमी। तो वैसे सभी मेरे से डरते हैं कॉलेज में, आपको बता दूं। हाँ पहले की बात है कि जब मुझे लोग पीट दिया करते थे कॉलेज में, फिर बाद में तो मैंने अपनी जलवा दिखाई दिया। बाकी उस लड़की को भाई ये सुट्टे कैसे लगा रहा है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है बॉडी बिल्डर साहब, समझा करो थोड़ी वार्तालाप। पता नहीं गाइस एक मेरा सिर खा के तो अटक गया और बॉडी बिल्डर साहब बन रहे। आजा आजा तू आजा, इसको छोड़ना गाइस, ये मेरे घर के बाजू में रहती है, ये तो शुक्र करो नहीं तो दूर छोड़ना पड़ता। क्योंकि देखो अब मैं छोड़ इसलिए रहा हूँ बेसिकली, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आपको पता असाइनमेंट वगैरह काम वगैरह इसको करवाने, तो इसकी बातचीत वगैरह भी तो माननी पड़ेगी। अभी बोल रही थी कोल्ड ड्रिंक पिला दे, मैंने कोल्ड ड्रिंक पिला दी, पर सस्ती वाली पिलाई, महंगी वाली नहीं पिलाई। और आप देख ही सकते हो कॉलेज के बच्चे और भी होते हैं, और मेरी प्यारी गाड़ी देख ही सकते हो वो वहाँ खड़ी हुई है। ओके क्या चल रहा है, ये ले बेइज्जती कर रही है मेरी, मेरी बेइज्जती कर रही है गाइस, आपने देखा ये भूतनी, इसके घुसन मार दूंगा, बन रही हो कटरीना कैफे, इसको पता नहीं कितनी प्यारी मस्त सी गाड़ी लेके घूम रहा हूँ मैं, आ जा तू भी जल्दी आ जा। तो ठीक है वैसे पिताजी तो मना कर रहे थे कि गाड़ी मत लेके जा, पर मैंने कहा यार पिताजी नहीं ठोकूंगा पक्का आराम से चलाऊंगा, तो इसीलिए पिताजी ने दे दी मुझे। तो ठीक है यार चलते अपनी गाड़ी में, आ जा। तो देख ही सकते हो गाइस गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है, और ये महारानी विक्टोरिया भी बैठी आराम से प्यार से, ठीक है बहुत महंगी गाड़ी है, लेट्स गो, कोई है तो नहीं, एक बार ये देख लेते हो गाइस, और इंडिकेटर देना इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नई गड्डी है। तो ठीक है पीछे लेते हैं, चलो 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 कोई आ नहीं रहा, इससे पहले निकाल ही लेता हूँ। तो देख ही सकते हो गाइस हमने अपनी गाड़ी निकाल ली है, गाड़ी देख रही है गाड़ी कितनी मस्त गाड़ी है, वो गाड़ी देख रही है महारानी विक्टोरिया। अरे भाई 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 एम्बुलेंस वाला बावड़ा हो गया है क्या, पता नहीं गाइस क्या ही बंदा है ये, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो देख ही सकते हो मैं अपनी प्यारी गाड़ी लेके निकल चुका हूँ, और आप देख ही सकते हो मुझे इसका कलर चेंज कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। हालांकि मुझे तो ऐसी काफी सही लगती है ये, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओ ये बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, बिल्लो रानी, ओ भाई यार एक नंबर की लगती है ये गाड़ी। और पिताजी ने गाइस पहले तो मैं उनके सामने रोया, फिर चुपचाप उन्होंने कहा गया चल ठीक है लेके जा। और साथ ही साथ आपको याद हो कि पिताजी अपनी एक दोस्त की गाड़ी लेके घूमते रहते हैं, और आज वो गाड़ी भी चले जाएगी, चलो ये सही है ना, वो वाली गाड़ी भी चले जाएगी, क्योंकि यार आपको पता ही है वो कब से इतने दिनों से औरों की गाड़ी चला रहे थे, पर फिलहाल कुछ थोड़ा बहुत ठीक होने लगा है मामला पानी। तो खुद की गाड़ी हमारी आ चुकी है, आप देख ही सकते हो मर्सिडीज की, क्योंकि आप देख ही सकते हो मैं इतनी धीरे क्यों चला रहा हूँ आपको पता ही है, क्योंकि पिताजी की ने मैंने गाड़ी ठोक दी ना, मेरे को पता मेरी बहुत गंदी तरह टू ही सूझने वाली है, तो इसीलिए इंडिकेटर दे के चला रहा हूँ, नहीं तो आपको भी पता मैं कैसे चलाता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है इसको घर के पास छोड़ना, मेरा घर है वहीं पे, इसके बाजू में तो घर है, तो इसको मस्त छोड़ के आऊंगा, बाकी रूल मैं इतने फॉलो नहीं करता। चलो भाई अब थोड़ा तेज भगाने का टाइम आ ही चुका है, हाँ कब तक धीरे चलाता रहूंगा मैं। ओ ये तो देख ही सकते हो गाइस, ये देखो ये है मेरे घर की बिल्डिंग, आप देख ही सकते हो मैं अपने घर के बाहर से ही जा रहा हूँ, और हालांकि मैं आ तो वहाँ से भी सकता था, पर मैंने छोड़ा यहाँ से चलते थोड़ी गेड़ी गुड़ी भी घुमा लेता हूँ गाड़ी। तो रॉन्ग वे मैं इसीलिए चला रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसी कट में लेना, पर छोड़ो यार फिर भी रूल नहीं तोड़ना अपन को, तो हाँ अपन को इस कट से अंदर लेना है, और इस मोहतरमा घर जी का घर यहीं पे ही है। तो ना ना ओ भाई 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 भाई, भाई लफड़ेबाजी हो जाती, जा बे महारानी विक्टोरिया अपने घर जा।
ओके, खुद के घर पे भी गाड़ दिया पर नहीं मानना थोड़ी है इन्हें। तो ठीक है गाइस, इसको करते हैं टाटा बाय बाय गेट। ओए स्त्री माता जी भी खड़ी हुई है, कभी मेरे को हेलो उलो बोलना पड़े तो यहीं से चली जा भाई। तो ठीक है गाइस, इसको करता हूँ टाटा बाय और फिर मैं अपने घर पे चलता हूँ। हाँ ठीक है, बाय 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 बाय। तो देखिए दोस्तों गाइस, बाय बाय कह रही है मुझे। तो ठीक है, इसको भी मैंने छोड़ दिया, ये काम भी अपना हो चुका है। अब पिताजी का मेरे पास कॉल आया। अरे भाई ये भाई क्या कर रहा हूँ मैं भूल गया था मेरी पुरानी वाली गाड़ी नहीं है। तो पिता, अरे यार इधर यार, इधर तो काम चल रहा है, मेरे को पीछे से लेनी पड़ेगी। तो पिताजी का गाइस मेरे पास फोन आ चुका और पूछ रहे कि जल्दी जल्दी घर पे आ जा, तेरे से कुछ काम है। अब पता नहीं मेरे से क्या काम है, और ये गाड़ी देख रहे हो गाइस हल्की सी चलाई नहीं, गंदी हो रही है। तो यही लफड़ाबाजी होती है, पर चलो कोई नहीं, गंदी तो होगी यार, रोड पे गाड़ी चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन करा लेंगे इसे ठीक वगैरह। अब पिताजी कहना क्या चाहते हैं, अरे भाई साइड में ले ले, मेरे को लेना कट। ओहो देखिए दोस्तों गाइस, पूरा मैं इंडिकेटर दे के कट लेता हूँ, कभी तुम सोचो ये फुद्दू गिरी नहीं करता मैं। चल भाई अब ये बात, ये सेंसर काम कर जाए, खुल जा। अबे यार गाइस आप देखिए देखते हो, ये सेंसर कभी काम करता ही नहीं है। अभी एक बार ना मेरे को पीछे से दोबारा आगे ले जानी पड़ेगी, जब जाके काम करेगा। चलो भाई चलो 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 चलो। तो गाइस आप देखिए देखते हो, अब खुल चुका है, मतलब ये पता नहीं क्या ही दिक्कत है इसके साथ, मुझे यही समझ नहीं आती। हो देखो एक गाड़ी, माता जी निकल गई घर से, क्योंकि पहले जब मैं गया था जब गाड़ी थी यार यहाँ पे, पर चलो कोई नहीं, इसको मैं यहाँ खड़ी कर देता हूँ। तो देखिए देखते हो गाइस, ये पिताजी के दोस्त की गाड़ी जो यहाँ पे खड़ी हुई है। तो चलो यार पिताजी से बात करते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। चलो भाई पिताजी 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 सो रखे होंगे यार मेरे ख्याल से, रोज की तरह हैं सोए तो है नहीं मेरे को लग रहा है, फिर तो नीचे ही होंगे गाइस। अब सोए नहीं है तो फिर तो उठ गए पिताजी, नहीं तो आपने देखा ही। अरे तेरी सासू की जाए, ओ वो रे वो रे वो रे वो रे पिताजी, वो पिताजी पिताजी पिताजी। हाँ जी बोलो, फिर क्या सीन है यार, क्यों बुलाया? अबे घोचू तेरे से काम है, मेरे को इसलिए बुलाया, ठीक है? कैसा काम पिताजी यार, एक तो तुमने बार बार बुला ले तो मुझे। अबे वो मेरा दोस्त ना ड्राइवर, तो उसकी माँ आ रही है तो उसे एयरपोर्ट से लेके आना है, ठीक है? तो ड्राइवर अंकल की माता जी आ रही है तो ड्राइवर अंकल जाएंगे। अबे उसकी माँ उसको सरप्राइज दे रही है, घोचू समझा अगर कुछ। अच्छा सरप्राइज देना चाहती है वो? हाँ। अच्छा अच्छा फिर मैं करूँ क्या, आप ये बताओ, उनको लेने जाना है एयरपोर्ट? उससे पहले भी एक और काम है जिमी। उससे पहले क्या काम आ गया? मेरी बात सुन, अब एक बेड और एक सोफा हमें लेके जाना है पैलीटो पे। अब ये मत पूछियो किस लिए, नहीं तो यहीं से थप्पड़ मारूं, दिमाग खराब कर रहा है। पैलीटो पे क्यों भाई, बेड और सोफा लेके जाना है पिताजी? अबे ले जाना है किसी काम से, वो उनके किराए पे घर लिया ना, वहाँ पे रखना है उनके, ठीक है? दिमाग ना खराब, मैं तैयार हो रहा हूँ, जल्दी चलेंगे। चलो यार चलो चलो। तो गाइस आपने सुन लिया कि ड्राइवर अंकल की जो माता श्री है वो आने वाली है, तो वो सरप्राइज देना चाहते हैं हमारे ड्राइवर अंकल जी को, तो इसीलिए उन्होंने घर लिया, वहाँ पे बेड और सोफा वगैरह पहुँचाना, जो कि मिलेंगे क्या, फ्रैंकल अंकल ने घर के बाहर निकाल के रखे हुए हैं। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं वहाँ पे, चलो चलते हैं, अब यही करना पड़ेगा। वाह अरे वाह, मतलब ये काम करने के लिए आया था क्या मैं? अरे आ गया आ गया आ गया यार गाइस। तो पिताजी नीचे से आवाज लगाई, अरे आ गया अरे ठीक है ना, आ जाओ आ जाओ। तो ठीक है गाइस, फ्रैंकलिन अंकल का फोन आ चुका पिताजी के पास, और फ्रैंकलिन के अंकल जी के घर के उधर से हमें सारा सामान उठाना, फ्रैंकलिन अंकल भी साथ में जाने वाले हैं। अब सीन मैं आपको पूरा बता देता हूँ क्या क्या सीन है। तो ड्राइवर अंकल जी की माता जी जो है वो आ रही है लॉस सैंटोस, और वो सरप्राइज देना चाहते हैं बेसिकली ड्राइवर अंकल जी को। वैसे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, पिताजी से मैंने पूछी जो ड्राइवर अंकल जी के साथ वो क्यों नहीं रहती, मेन बात ये है क्योंकि आपको पता है ड्राइवर अंकल जी की हरकत है कि कैसे क्या क्या सीन है इनका, कैसे वो दारू पी के इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इसलिए आंटी वगैरह उनके साथ रहती नहीं। आंटी कहूँ क्या कहूँ, मुझे तो यही समझ नहीं आता, पर चलो कोई नहीं। तो देखिए देखते गाइस, गाड़ी लेकर मैं निकल चुका हूँ, पिताजी गाड़ी तैयार, अपनी एक नंबर है यार। और पिताजी और जो फ्रैंकल अंकल है, इन दोनों ने साथ में एक सामान, कुछ सामान वगैरह खरीद रखा है जो कि हमें उनके घर पे दे के आना, जो कि उन्होंने यूँ टेम्परेरी किराए पे लिया, पता नहीं कैसे लिया, इतना मुझे पिताजी ने बताया नहीं। तो मैं जा रहा हूँ फ्रैंकल अंकल के घर पे पिताजी के साथ, अब वो सामान हमें छोड़ना पड़ेगा गाइस पैलीटो पे। यार इससे अच्छा तो फ्रैंक ड्राइवर अंकल जी के साथ ही रह लेती, पर उस घर में भी क्या ही रहोगे, एक ही तो बैठ है गाइस, और उसकी हालत तो आपने देखी हुई है ड्राइवर अंकल जी के घर की, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो देख ही सकते हो मैं निकल चुका हूँ, और बस थोड़ी देर में बस पहुंच ही जाऊंगा, पर यार यहाँ के कट तो कुछ भी और भी जाएगा गाइस, कैसे खतरनाक से ट्रक कटते हैं, पर कोई नहीं, मैं आराम आराम से चला लूंगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। और पिताजी ये मेरे साइड में ही बैठे हैं, आप देख ही सकते हो, वो ये पिताश्री बल्ले बल्ले। तो फ्रैंकल अंकल घर के बाहर ही इंतजार कर रहे हैं, उनका फोन भी आ चुका था जैसे ही मैं घर से निकला था। तो ठीक है भाई, ओ भाई ये देखो लंबी गाड़ी लेता हूँ ना गाइस, तो कट दिक्कत हुई ही होती है लंबी गाड़ी की, तो कट कुट देख के लेना पड़ता है, आप देख ही रहे हो, ये वैसे मजा एक नंबर है गाइस लंबी गाड़ी का। तो देख ही सकते हो मैं पहुंच चुका हूँ फ्रैंकलिन अंकल जी के घर के पास, और अंकल कह रहे हैं बेड बुड और सोफा जो भी पहुँचाना है वो वहाँ पे निकालने के लिए रखा हुआ है, बस तुम आ जाओ, फिर जो ट्रक है उसके ऊपर चढ़ा के लेके जाना है गाइस। ओहो देखो मैं कह रहा था ना, सब कुछ चीज़ें निकाल के रखी हुई है अंकल जी ने। तो ठीक है यार, पीछे से गाड़ी आएगी इसलिए मैं अपनी पहले ये वाली गाड़ी पीछे खड़ी कर देता हूँ। चलो 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 चलो, ओके ओ
ओके तो देखिए देखो गाइस मैंने यहाँ पे गाड़ी लगा दी। आ जाओ पिताजी आ जाओ। तो हम ये बेड है तो गाइस आप देखिए देखो ये बेड हमें पैलेटो में लेके जाना है और साथ ही साथ ये जो सोफा है ये भी पैलेटो में लेके जाना है। तो फटाफट गाइस आप देखिए देखो इस ट्रक में लेके जाते हैं जो कि गाड़ियों वाला ट्रक है तो इसमें हमें अटैच करके लेके जाना पड़ेगा। तो अंकल जी छुट्टे वगैरह लगा रहे हैं तो फटाफट अटैच करते हैं और क्या। तो गाइस अभी आप ये देख सकते हो कि जितना भी सामान था वो तो हमने यार इतने जोर जोर लगा के रख दिया इसके ऊपर। तो देखो ये रहा सोफा और ये रहा बेड जिसके ऊपर हमने ये रख ही दिया देखो ट्रक के ऊपर अपने। तो ठीक है अब सीन ये है कि पिताजी कह रहे हैं मैं ट्रक में बैठ के चले जाऊंगा और फ्रैंकल अंकल ट्रक चलाएंगे। तो मैंने कहा यार मेरा काम ही क्या है फिर वहाँ जाने का। तो फिर मेरे को इन्होंने बताया कि जो ये ट्रक है ना वहीं के बंदे का तो ये ट्रक हमें देना पड़ेगा वहीं पे। तो इसीलिए तेरे को साथ में लेके जा रहे हैं तो तू गाड़ी लेके आ जाइयो। तो यार देख ही सकते हो अब पहले मैंने कहा पैलेटो पे जाऊँ फिर इनको लेके आऊँ फिर मैं एयरपोर्ट जाऊँ। तो देख ही देखो कितना लंबा चक्कर लगेगा पर चलो कोई दिक्कत नहीं है मैं गाड़ी में बैठता हूँ। गाइस अब पैलेटो पे जाना तो पड़ेगा ही ना इनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखता हूँ उन्होंने उनका कौन सा किराए वाला घर है और उन्होंने बोला बीच हाउस टाइप का कुछ घर है। तो ठीक है अब जाना इसी साइड से। तो एक बार मैं गाड़ी इस साइड पार्क इनको जाने दो क्या। चलो मैं गाड़ी इसी साइड अरे दे 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 जा भाई तू ही चले जा पहले तेरा भूत तक आ जाए। तो मैं वेट करता हूँ पिताजी जल्दी चलो यार फिर मैं इनका वेट करता हूँ गाइस जैसे ये निकलेंगे फिर चलते हैं इनके पीछे। तो गाइस देख ही सकते हो फ्रैंकलिन थोड़ा सा काम से गए थे पड़ोसी वाले घर पे और पिताजी तो ट्रक के अंदर बैठे हुए हैं। तो चलो यार फटाफट और भी काम है उनको फ्लाइट है लेकिन उनकी फ्लाइट भी उतरेगी फिर उनको लेने भी जाना है पता नहीं क्या ही सीन है। और ड्राइवर अंकल को पता भी नहीं कि उनकी माताजी आने वाली है और रह भी देख रहे हो गाइस कहाँ जा रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है चलाओ यार। ओ पीछे देख के पीछे देख अरे वो देखो मतलब ट्रक भी अंकल ना बहुत गंदी देखो भाई 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 मैं अपना साइड में ले लूँ गाड़ी क्योंकि बहुत हरामी अंकल हो गाइस पूरी गंदी तरह चलाते हैं ट्रक देख लो वहाँ कहाँ खड़ी कर दिया भाई ट्रक को भी और साथ में डस्टबिन और उड़ा दिया अपने घर के। तो इसीलिए मैं इनके पीछे पीछे चलूंगा आगे मेरे को चलने का कोई शौक नहीं है। तो देख ही सकते हो गाइस ये निकल चुके और मैं इनके पीछे पीछे और इसी में ही बेड वगैरह भी रख दिया हमने। तो बेड और सोफा ओ भाई आराम से अंकल पूरी तेज चलाते हैं फ्रैंकल अंकल ट्रक वगैरह और गाड़ी भी काफी तेज चलाते हैं। और इन्होंने जो नई गाड़ी है ना गाइस वो अपने गैरेज में रखी हुई है उसको तो निकाल भी नहीं रहे देख रहे हो क्या लफड़ाबाजी इनकी। ओके ओ अंकल जी ट्रक है इतनी तेज भगा रहे हो भाई देख रहे हो गाइस पूरी तेज पेल रखो ओ भाई ट्रक भाई इतनी तो मैं अपनी मर्सिडीज नहीं चला रहा गाइस इतनी तेज इतने ट्रक चला दे रहे हैं पर कोई नहीं पिताजी उसके अंदर बैठे हैं फ्रैंकल अंकल उसके अंदर। एक बार हाईवे की साइड थोड़ा सा रोड आ जाए ना वहाँ जाके मैं थोड़ा आगे इनसे निकलूंगा भाई नहीं तो ऐसे तो ओवरटेक करूंगा नहीं भाई इनका क्योंकि आप देख ही रहे हो कैसे हरामियों की तरह चला रहे हैं फ्रैंकल अंकल ट्रक। अब आप बताओ फ्रैंकल अंकल इतनी तेज चला रहे हैं और मैं अपनी मर्सिडीज आगे ले जाऊँ और गलती से टच हो जाए तो लफड़ाबाजी आपको पता यार कितनी ज्यादा होगी इससे तो मैं यूं ही चला लूँ। चलो भाई चलो 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 होली होली गिद्दे भी चला चपत लो बाकी मेरी मर्सिडीज मेरे को एक नंबर की लग रही है। ओहो भाई अंकल बहुत तेज चला रहे हैं भाई तो देख ही सकते हो भाई। ओके ठीक है ओह बच गया मैंने कुछ ज्यादा स्पीड दे दी थी तो देख ही सकते हो। अब ट्रक के बिल्कुल पीछे पीछे मुझे फॉलो करने का है यू पिताजी ने बोला है। अब मैं एक बार रुक जाऊँ यहाँ से नहीं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख रहे हो भाई ये देखो फ्रैंक अरे बस ये फ्रैंक अंकल चला रहे हैं और देखो वहाँ पे पिताजी साइड में बैठे हुए हैं तो सही है मैंने आपको दिखा दिया मैं इनसे आगे नहीं लूंगा। ओके इनके पीछे पीछे चलाऊंगा मेरी मर्सिडीज क्या लुक दे रही है भाई। मजा आ जाता है मेरे को अपनी ये वाली मर्सिडीज चला के पुरानी वाली यार ऐसी खच्चर सी थी वो ओडी थी पर ये वाली पिताजी ने एक नंबर की सही है यार उन बंदों ने कैंसिल कर दिया अपना ऑर्डर इसका हमने पैसे दे ही रखे थे तो ये हम अपने पास ही रख ली तो सही है। अब जो ड्राइवर अंकल है फ्रैंकल अंकल है और मेरे पिताजी है अब तीनों के पास नई नई कार है जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाई दी थी तो ठीक है। अब थोड़ा सा फ्रैंकल अंकल ना धीरे चला रहे हैं नहीं तो पूरे रास्ते पूरी तेज पेले 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 लेके आए हैं। अरे चला ले भाई अरे चला ले बीड़ी जलाई ने जी गरे और यार क्या एकदम से ब्रेक मार रहे हैं तो ठीक है मेरे को थोड़ा बहुत तो रास्ता पता ही है कि अरे ओवरटेक करना पड़ेगा। ओके तो देखे देखते हो गाइस मैंने ओवरटेक कर दिया पीछे ट्रक लेके वो आ ही रहे हैं मैं थोड़ा जल्दी चलता हूँ और इनका वेट कर लूँगा आगे क्योंकि इतनी धीरे धीरे भी क्या ही करूँगा मैं जाके अभी इतनी देखो मर्सिडीज लिए थोड़ी भगा के भी तो देखनी चाहिए ना गाइस ठीक है। इधर इधर जाने का तो मैंने इंडिकेटर पहले ही दे दिया क्योंकि बिना इंडिकेटर के तो भैया मेरी ऐसे ही हो जाएगी पिताजी को पता चल गया मैंने यूँ चलाई तो हरामियों की तरह फिर वो मेरे को गाड़ी भी नहीं देने वाले इसीलिए बिल्कुल प्यार से हम चलाने वाले हैं। अब आएंगे तो इसी रास्ते से बाकी मैं नीचे इनका वेट कर लूँगा कि हाँ जल्दी जल्दी आ जाए क्योंकि देखो उन्होंने बोला है बिल्कुल आस पास चलाना क्योंकि वो ट्रक जो है ना गाइस थोड़ा सा खच्चर था वो कभी कभी काम नहीं करता इसीलिए मेरे को साथ में लेके आए हैं तो ठीक है वेट करते हैं इनका कब आएंगे यार ये। तो गाइस वो देखो वो वहाँ से ट्रक लेके आ गए देखो वो दिख रहा होगा आपको लाल वाला ट्रक और अंकल पूरी चीज भगा भगा के ला रहे हैं मैं साइड में ले लूँ भाई कभी मेरी गाड़ी में चिपका देना गाइस कैसी हो जाएगी मेरी। ओके तो ये निकल गए तो बच गया मैं तो ठीक है इनके पीछे पीछे रखते हैं दोबारा से ये सही है यार आगे जाके मैं इनको इनके लिए वेट कर लूँ कि हाँ ये फटाफट
आ जाए, क्योंकि दिक्कत वगैरह यही है ना, कभी भी ट्रक ये वाला बंद हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, है? सीन तो देख ही लिया गाइस आपने, क्या क्या लफड़े वाला सीन होता है। और यहाँ पे ना लोन सेंटर्स में बड़े फुद्दू बनते हैं, मन तो करता है कि घुसड़ घुसड़ मार के टूल टूल सुझा दूँ, पर मैं कहता हूँ यार छोड़ो क्या ही हरकतें वगैरह करनी, मुझे तो तेल तूल डलवाना है, इनको निकलने देते हैं। गाइस मुझे हल्का सा ना गाड़ी में अपना तेल टूल डलवाना है, तो ठीक है बस से पहले तेल डलवा ही लूंगा मैं। अब यार यहाँ तो लगा पड़ा है गाड़ी पहले से ही, तो भाई गाड़ी हटा अपनी। अरे यार वो तो आगे निकल जाएंगे गाइस ऐसे तो, पर कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई जल्दी कर, क्या फुद्दू बनता है गाइस। तो फटाफट गाइस तेल वगैरह डलवाते हैं और फिर हम निकलते हैं, बस से तो मैं पहले ही आ चुका हूँ। अरे चल 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 मेरे साथ ही भाला, ये अभी तक ट्रक निकला नहीं है, पर फिर भी फटाफट निकल, वो निकल गया ट्रक, देख लो गाइस आगे से निकल गया। मैं तेल डलवाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो ठीक है गाइस गाड़ी में तेल वगैरह डन हो चुका है और ट्रक आगे निकल ही गया। भाई मुझे ट्रक पकड़ना पड़ेगा, भाई कहाँ आगे भाग गया वो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट मैंने तेल डलवा लिया, ये तो शुगर करो पर। अरे भाई रख जा भाई रख जा। तो ये अब हाईवे आया है भाई, अब कुछ चीज आई है और ट्रक तो आगे निकल चुका, जैसे कि आपने देखा मैं तेल डलवाने के लिए रुक गया था। अरे भाई अब खींचूंगा गाड़ी, देख रहे हो पूरी फुल हो गई है टंकी, क्योंकि पिताजी ने पैसे पूछे दे रखे थे मुझे कि हाँ भाई टंकी फुल करवानी है इसकी। अब ट्रक है कहाँ तो वो ढूंढना पड़ेगा। टोनो नो 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 नो, बाकी गाड़ी देख रहे हो, लुक एक नंबर देती है भाई मेरी गाड़ी। टोनो नो, बाकी ट्रक मेरे को दिख नहीं रहा दूर दूर तक, वैसे मेरे को लग रहा है फ्रैंक लंकन में पेड़ के लेके गए हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं भी तेज चलाने वाला हूँ, क्योंकि ये जगह आ गई है थोड़ी सी तेज यूज पेलने के लिए गाड़ी को। ओ ये साइड हो जा भाई, कहाँ है ट्रक, वो रहा वो रहा वो रहा। देखो गाइस ट्रक दिख गया मुझे, क्योंकि मैंने अब स्पीड वगैरह बढ़ा के पीछे से तेज लेके आ रहा हूँ, तो वो देखो वो रहा ट्रक। सही है भाई दिख गया मुझे ट्रक, आ गया ना भिड़ू असली मच्छा। हट जा हट जा, ये रहा देखो देखो ये रहा गाइस, ये देखो पिताजी यहाँ पे बैठे हुए, इस साइड पिताजी बैठे हुए, ये देख रहे हो आप। चलो कोई दिक्कत, अरे बच गया बच गया बच गया बच गया, वो फिर भगा लेंगे। और ये देखो ये बेड और सोफा इसी में टांग रखे हैं, देख रहे हो कैसे लेके आ रहे हैं हम। बेड भी ये काफी बड़ा है यार, छोटा मोटा बेड नहीं है गाइस, ये काफी बड़ा बेड है। अब देखिए देख तो कितना बढ़िया भैया सीन, सही है। पर वहाँ जाके मुझे देखना भी तो पड़ेगा, घर देख घर भी देखना मुझे यार, कैसा बता किराए पे इन्होंने घर ले रखा है। अब क्योंकि ट्रैवर अंकल जी के वो पास रहते नहीं है, क्योंकि ट्रैवर अंकल जी का हाल जैसे कि मैंने आपको बता दिया क्या क्या हरकतें हैं उनकी, इसलिए वो उनके साथ रह नहीं रही है। अब लफड़ा काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए वो उनके साथ रह नहीं रही है और हमारा ट्राला पीछे पीछे आ रहा है। तो फटाफट उनके घर के आसपास चलते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ठीक है गाइस अभी मैं यहाँ दुकान में खड़ा हूँ ये फ्रूट वालों के, कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं मुझे। अब पिताजी और मतलब फ्रैंक अंकल रह कहाँ गए मुझे ये नहीं दिख रहा, मैंने फोन पे बात करी तो वो कह रहे बस आ रहे आ रहे, लो आ गए आ गए आ गए आ गए। चलो ठीक है सही है आ गए, तो यार तो बस पहुँचने वाले हम लोकेशन पे। चलो चलो इनको निकालने देता हूँ। ओ भाई कितनी पास से लेके गए मेरी गाड़ी से, शर्म शुरम तो है ही नहीं। अब देखिए लगता है लोअर सेंटर से हम पैल्यूटो में बस पहुंच ही चुके हैं। अब इन इस इलाके से मुझे इनके पीछे जाना पड़ेगा। अब आप पूछोगे क्यों, क्योंकि मुझे आगे की लोकेशन नहीं पता कि भाई हाँ कि कहाँ पे इनका घर है। मुझे यहाँ तक तो पता था ठीक है पैल्यूटो में तक तो मैं आ गया, पर अब कहाँ से जाना मुझे ये नहीं पता। तो बिल्कुल इनके पीछे पीछे लगा के रखनी है मुझे गाड़ी, और फिर अब तो ये जाएंगे मेरी गाड़ी में ही। और हालांकि फ्रैंकल अंकल भी कह रहे थे कि मुझे चलाने दे वाली मर्सिडीज मैं चलाऊंगा, मैंने अंकल को मना कर दिया यार, अब मैं आपकी दूँ यार मेरे को चलानी है, मेरी पसंद गाड़ी ही है। और पुलिस क्यों आ रही है पीछे से, पीछे से यार ये तो देखिए लगते हो गाइस। ओ ओके ओके, तो हमारे ट्रक को पकड़ लिया भाई वो, तो हमारे वाले ट्रक को क्या ही पकड़ेगी, इसके तो ऊपर से ही खुला पड़ा, देख लो भाई यहाँ इसमें सोफा हो रही है, देखो बेड है, तो यहाँ से हमें अंदर लेना है। चलो चलो ठीक है, इंडिकेटर दे देता हूँ भाई मैं। चलो ओ अंकल जी कैसे कट ले रहे हैं भाई, अंकल जी रूल रूल भी फॉलो कर लिया करो। अच्छा इस साइड है क्या उनका घर, तो ठीक है कोई नहीं चलते हैं भाई। तो अभी तक तो वो आए नहीं है, मुझे एयरपोर्ट में भी जाना और मैं लेट हो जाऊंगा जहाँ तक मुझे लग रहा है लोस सेंटोस जाने में। तो देखो हमें यहाँ पे ना बेड बस यहाँ पे ट्रक लेके पहुँचाना है। अब सीन ही है वर्कर आएंगे, अरे अंकल क्या कर रहे हो, गाड़ी धो देता हूँ मैं अपनी, तो छोड़ो बाद में धो दूँगा। सीन ही है वर्कर वगैरह आएंगे, वो खुद ही बेड बूट उतार देंगे, और ये देखो गाड़ी धो दूँ, और वर्कर वगैरह आएंगे बेड बूट खुद ही उतार देंगे, और सीन ये भी है फिर वो खुद ही सब कुछ संभाल लेंगे। ओके तो ये है घर मेरे ख्याल से ना, इसीलिए गाड़ी यहाँ पे लगा दी है। ओके ओके, अरे अंकल जी क्या कर रहे हो। ओके तो गाइस ये वाला घर है उनका, और छोड़ो यार घर के अंदर क्या ही जाना, फटाफट हम इसे ट्रक से सामान वगैरह उतार देते हैं, या फिर ट्रक यूँ ही छोड़ देते हैं अपने आप उतार देंगे वो सामान और फिर चलते हैं लोस सेंटोस के लिए। बाकी मैं घर दिखा दूँ आपको एक बार, तो ये देख लो गाइस उनका घर, तो ये देखो यहाँ पे है पार्किंग का। अब यहाँ से हम अंदर आते हैं तो ये वो भाई, ये देखो यहाँ पे छोटी सी किचन सी है, और ये बीच के बिल्कुल पास है बाथरूम। यहाँ पे देखो बेड तो है ही नहीं, और ये सोफा सा लगा हुआ, पर उस छोटे वाले सोफे का क्या करेंगे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब फटाफट यार मैं भी अपना वो सामान सामान का देखते गए। अरे अरे चलो 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 चलो, तो ये घर मैंने आपको दिखाई दिया, अब सामान उतरवा ही देता हूँ यार, फिर वर्कर भी तो उतारेंगे इससे पहले हम खुद ही ना उतार लें। अबे रुक जाओ क्या जल्दबाजी है, रोक लो अंकल जी। तो फटाफट गए सामान उतारते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो ठीक है गाइस सामान वगैरह हमने उतार दिया, देखो ये रहा सोफा और वहाँ पीछे बेड रख दिया है, तो ठीक है सीन ये भी हो गया, बेड भी रख दिया सोफा भी उतार दिया, और देखो ये हमने खाली भी कर दिया है, तो ठीक है।
चलो ठीक है यार, चलो 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 पिताश्री आ गया, मैं आ गया, ये गाड़ी मेरे को नीचे उतारनी है प्यार से, और फिर यहाँ से निकलना है क्योंकि फ्लाइट का टाइम उनको काफी ज्यादा, मैं मेरे को लग रहा है लेट हो जाऊंगा भाई, पूरी तरह भगानी पड़ेगी गाड़ी। बैठो यार जल्दी बैठो फ्रैंकल अंकल, लेट में वैसे ही हो गया, बेड और सोफा हमने उतार दिया, तो चलो यार। मैं इसलिए कह रहा था यार देख लेना टैक्सी वगैरह से आ जाना, पर नहीं इनकी चुल खत्म हो जाए तो नहीं, तेरे साथ जाएंगे, तेरे साथ जाएंगे, पता नहीं क्या है अब उनको लेने कौन जाएगा अगर मैं लेट हो गया तो, गाइस देख रहे हो सीन। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं पूरी तरह भगा के लेके जाऊंगा ना तो हो तो जाएगा टाइम वगैरह शायद, पर फिर भी देखना पड़ेगा यार, जल्दबाजी में पहुंच जाऊंगा, फिर भी देखते हैं क्या सीन है। और ड्राइवर जी की माता जी से आपको मिलाते हैं, तो तेजी लगता पूरी गाड़ी मैंने खींच रखी है अब की बार, अब नहीं रोक रहा मैं धीरे धीरे, हाँ हाँ दो चेट चीज की हर्चा भाई साइड में ले ले, वो देख रहे हो गाइस कितनी तेज भगा रखी है मैंने, अब तो पूरी खींच दूंगा, अब नहीं रुकने वाला मैं, हाँ बुद्धू थोड़ी हूँ मैं बंदा, क्योंकि देखो लेट हो गए, फिर वो आंटी भी थोड़ी बोटी हो गई है यार, उनको कौन फिर कैसे कौन लेने जाएगा, तो इसीलिए मेरे को पिताजी ने एक काम बोला तो ये काम मुझे करना ही पड़ेगा। और मेन बात है ना एयरपोर्ट वाले रोड पे ना गाड़ी चलाने में अलग ही मजा आता है, वो देखी जब तक पूरी तेज भगा रखी है मैंने, और एक नंबर मजा आ रहा है इस वाली गाड़ी चलाने में, वो बिल्लो रानी जी। तो गाइस फटाफट चलते हैं फ्रैंकलिन अंकल के घर पे, और वहाँ पे इन सबको छोड़ते और फिर चलते सीधा एयरपोर्ट। तो गाइस मैं तो पूरा लेट हो जाता, वो तो शुक्र करो 10 मिनट फ्लाइट डिले है तो सही है, ओके तो मैं फायदे में रह गया इस चीज के, नहीं तो मैं काफी ज्यादा लेट हो जाता। तो इनको फटाफट छोड़ना है गाइस, पिताजी भी पिताजी ने भी बोला मैं वहीं पे उतर जाऊंगा, तो फटाफट लेके आ जाओ, और लेके मुझे पहले अपने घर पे लेके आना पड़ेगा, पिताजी ने ये कहा कि सीधा वहां मत ले जाइए पहले यूटोबे, तो घर पे लेके आऊंगा और फिर आपको मिलाते हैं। भाई 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 फुद्दू बंदा है क्या यार, एकदम से यहाँ गाड़ी कौन रोकता है, सही में फुद्दू की कमी नहीं है गाइस यहाँ, तो देखिए तो पूरा रास्ता मैं खींच के लाया हूँ, और पिताजी ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि उनको भी पता कि मैं लेट हो रहा हूँ काफी ज्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने अपना मतलब कॉलेज भी मैं आता ही करके आया हूँ, कभी आप सोच रहे हो पूरी क्लास लेके आया हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ठीक है पहुँच गया पहुँच गया पहुँच गया, ओ जल्दी उतरो जल्दी उतरो जल्दी उतरो, तो ठीक है पिताश्री मैं जा रहा हूँ, तुम लगाओ यार अपने सूट वगैरह जो भी लगा रहे हो। तो गाइस पिताजी ने मेरे को एक चीज बताई, और साथ ही साथ मेरे को बताई नहीं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, फ्रैंकल अंकल से बात कर रहे थे कि ड्राइवर अंकल खुद नहीं चाहते कि उनकी माता जी यहाँ पे आए क्योंकि वो उनको तंग वगैरह कर देती है, ऐसे ड्राइवर अंकल जी समझते हैं। और मैंने पता कर लिया कि गाइस कौन से टर्मिनल पे उनका प्लेन वगैरह उतर रहा है, अब टर्मिनल नंबर 2 बोला है उन्होंने, अब टर्मिनल नंबर 2 ऊपर वाला नीचे वाला वो तो मुझे नहीं पता, और बस फ्लाइट 5 मिनट में उतरने वाली है इतना कन्फर्म हो चुका है, अब मेरे को फटाफट जाना पड़ेगा, और आप तो वैसे ही मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, पर कोई नहीं फिर भी पहुंच जाऊंगा, ये तो शुक्र करो यार पैलिटोबे से लॉस सैंटोस आ गया मैं टाइम पे, तो चलो चलो। तो वैसे चेकिंग वगैरह में भी तो टाइम लगेगा, फ्लाइट हो तो उतरेगी ना अभी, यही सीन है, तो देखिए देखता हूँ उतरने में भी, फिर बैग वगैरह लेंगे तो काफी टाइम वगैरह लगेगा, और वैसे भी आंटी तो बुढ़ी हो रखी है यार, थोड़ा टाइम तो लगाएगी ना उतरने में भी, सब कुछ काम करने में भी, तो देखिए देखता हूँ। अरे अच्छा भाई मेरे को जल्दी जाना, यार ये गाड़ी ना मेरे को डर इतना लगता है, इस गाड़ी में क्यों लेके आ गया मैं इसे, और ना इसको तेज चला सकता, ज्यादा तेज चलाऊंगा तो डर इतना लगता है कि इसको कुछ होना, अरे तेरी सासू की, वो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई, बच गया बच गया बच गया, मेरे को लगा मेरी गाड़ी को अभी ऐसी तैसी होगी, बेटा इस बंदे को तो मैं इतना मारता ना इसकी गुद्दी फोड़ देता मैं, सही में गाइस मतलब इसकी गुद्दी पकड़ के घुमा देता मैं यू यू करके, पर सही है मैं लेट, ओ अरे यार एकदम से कट क्यों ले रहे हो भाई, मैं वैसी ऐसी तैसी हो रखी है। तो गाइस इतना तो हो चुका है डन की उनकी फ्लाइट लैंड हो चुकी है, क्योंकि पिताजी का मेरे पास अभी अभी फोन आया था कि कहाँ रह गया बेटा जल्दी जल्दी जा, और पिताजी घर पे आ चुके हैं, फ्रैंकल अंकल ने उनको अपने नई वाली गाड़ी में छोड़ दिया है, पर मेरे को तो यार जल्दबाजी में जाना पड़ेगा ना, और देखी देखो पूरी तेज मैंने खींच रखी है गाड़ी, अरे हट जाता नाचन देवी खड़के ना भाई पूतरी यार, एक तो इतनी लंबी गाड़ी मेरे को डर लग रहा है गाइस कि मैं ठोक ठोक दूंगा, इसलिए मेरे को बीच में धीरे धीरे भी चलानी पड़ रही है, हालांकि अब जो एयरपोर्ट है वो गाइस वो ज्यादा दूर तो रहा नहीं, पर क्या करें फिर भी दिक्कत तो है ना, लफड़ा काफी ज्यादा है, और टर्मिनल मैंने जैसे कि आपको बताई देगी कौन से वाला है, पर दिक्कत यही है ना तो वहाँ पे भी देखना पड़ता है यार सब चीजें, अब वो कितनी देर में बाहर आएगी क्या चीज होगा यार वो भी देखना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा लफड़े वाला काम होता है, मैं आपको एक चीज बता दूँ तो कोई दिक्कत, अरे ट्रक वाले निकाल ले पास दे भाई पास दे, ठीक है गाइस ट्रक वाले ने पास दे दिए तो शुगर करो, नहीं तो कई ट्रक वाले होते हैं ना बताऊँ ऐसे फुद्दू ट्रक वाले होते हैं वो पास ही नहीं देते, अरे हट जा भाई हट जा, तो देखिए जब तो बस पहुँच चुका हूँ, चलो भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं, बल्ले बल्ले सावा सावा, और यहाँ पे ना काफी ज्यादा टैक्सी वाले घूमते रहते हैं, तो टर्मिनल मेरे को जैसे कि बोला था पर इस वाले में तो मेरे को दिख नहीं रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी वैसे जरूरी नहीं है उसी टर्मिनल पे वो आए, वो कभी कभी टर्मिनल वगैरह चेंज भी होते रहते हैं, इधर से कोई आ तो नहीं रहा, जा भाई जा तू जल्दी जा, क्योंकि मुझे सब कुछ देखने का देखना पड़ रहा है गाइस, इस साइड में आंटी जी दिख तो है नहीं रही क्योंकि मैंने एक बार उन्हें बचपन में देखा था, बाकी पिताजी ने उनकी फोटो तो मुझे दिखा दी है,
मैं तो पहचान जाऊंगा, वो मुझे नहीं पहचान पाएगी क्योंकि मुझे इतना तो पता है। कोई नहीं, नीचे वाले टर्मिनल में चलते हैं। और नीचे वाले टर्मिनल में यहाँ से ले पाऊंगा क्या? चल यहाँ से टर्मिनल नीचे वाले में ही चलते हैं गाइस, क्योंकि मेरे को लग रहा है नीचे वाले टर्मिनल में ही वो उतरे हैं फिर, क्योंकि ये वाला टर्मिनल नहीं है। तो ओके, ये तो एयरपोर्ट एग्जिट का आ गया। चल भाई हट जाओ, मनाऊ तेरे को टैक्सी वाले। टैक्सी वाले तो यार इतने घूमते, और मेरा यहाँ पे शोरूम था आपको याद भी होगा, जो कि तोड़ के पता नहीं क्या ही बना दिया उन्होंने, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा गाइस कि वो इस वाले टर्मिनल पे तो नहीं है, तो इसीलिए मेरे को यहाँ से मैं पहले अंदर ले लेता हूँ, क्योंकि देखो इस साइड से ये होता है कि हाँ भाई ये इधर अंदर की साइड घूम रहा है, बाहर ट्रैफिक में हमें घूमना नहीं पड़ता। पर नहीं यार, ये तो यहाँ भी नहीं दिख रहा मुझे, तो क्या लफड़ाबाजी है। पर चलो कोई नहीं गाइस, आगे और भी चीज़ें हैं तो आगे भी देखते हैं। मेरे को सेकंड टर्मिनल बोला था शायद, पर कोई दिक्कत नहीं, पुलिस वाले यहाँ पे खड़े रहते हैं गाइस, आप देख ही सकते हो। और मैं फोर्थ टर्मिनल पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे टैक्सी खड़ी है भाई। ओके तो टैक्सी, ओ भाई ये रे ये रे ये रे ये रे, इनके साथ ये लड़का कौन है? और देख ही सकते हो अभी इन्होंने टैक्सी वाले को भी मना करा है। तो गाइस यही है, ये ड्राइवर जी की, जो ड्राइवर अंकल जी, उनकी माता जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ठीक है यार, गाड़ी खड़ी करते हैं गाइस पहले तो। चलो तो भाई देख रहे हो गाइस, ये बिल्कुल ड्राइवर अंकल जैसी लगती है। पर चलो एक बार बातचीत कर लेते हैं, इनको आंटी बोलूँ क्या बोलूँ, मुझे तो यही कंफ्यूज हो रहा है। ट्रैवल जी को मैं अंकल बोलता तो इनको आंटी तो नहीं बोल सकता, दादी जी बोलूँ इनको भी। दादी जी की हाल ने, यूँ बोलूँगा मैं जी, दादी जी की हाल ने, मैं जिमी पुत्र, मैं जिमी पुत्र। अरे रे जिमी पुत्र, तू तो बड़ा हो गया है रे बेटा मेरे। अरे बस वो तो हो जाता हूँ ना, बड़ा तो होऊंगा ही ना। अरे अरे तो अच्छी कौन है ये तो बताओ ना दादी जी। अरे बेटा तेरे को नहीं पता क्या, ये जो तेरे ड्राइवर अंकल है उनका बच्चा है ये। है ड्राइवर जी का अंकल, उनकी शादी कब हुई थी? अरे अपने बाप से पूछियो तू, अभी मैं थक गई हूँ। है भाई ये क्या सीन है गाइस, आपने सुना ये जो लड़का, ये ड्राइवर अंकल जी का लड़का है, उनकी शादी कब हुई? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, पिताजी से पूछना पड़ेगा। तो चलो कोई नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं आ जाओ इसमें सामान वगैरह रख देते। तो गाइस इनका सामान वगैरह रखता हूँ, इनको घर लेके चलता हूँ। और आपने मैंने मिलवा ही दिया जैसे कि, तो डिग्गी वगैरह मैंने खोल दिया, फटाफट इनका बैग वगैरह रखता हूँ गाइस, और फिर आपसे मिलता हूँ। यार ये लड़का कैसे, ड्राइवर अंकल जी का लड़का कैसे भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ठीक है गाइस, वैसे बैग वगैरह तो मैंने रख दिए, तो ठीक है दादी जी बैग बुक तो रख दिए, फिर चलें। अरे बेटा चलते हैं, इससे तो मिल लेंगे छुटकू से एक बार। अरे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मिल लेता हूँ बेटा। हेलो को भैया को, हेलो भैया जी कैसे हो? हेलो भाई, हेलो हेलो। तो ठीक है आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। तो देख ही सकते हो गाइस, ये तो भैंस की या किसकी आवाज़ मेरी जैसी क्यों है हल्की हल्की, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ बैठो बैठो गाड़ी में। ओ दादी जी पीछे बैठ गई, अब ये लड़का कहाँ बैठेगा भाई, ये तो आगे बैठ रहा है भाई, ये गाड़ी में बैठ भी पाएगा? तो बैठ गया गाइस, ये तो गाड़ी में आप देख ही सकते हो। चलो कोई नहीं, तो ओके तो गाइस ये नीचे बैठा हुआ है। ओके दादी जी चले फिर, आराम से फिट होगी ना अच्छी तरह गाड़ी में। अरे बेटा चल, गाड़ी तो काफी सही है। हाँ जी गाड़ी काफी सही है, और नहीं ली हमने गाड़ी, तो ठीक है गाइस लेके चलते हैं घर पे। और मैं, मेरी कंफ्यूजन बढ़ गई, ड्राइवर अंकल जी की शादी कब हुई? और मैं ज्यादा बात इनसे करूंगा भी कैसे, क्योंकि मैं आपको भी पता है मैं एक बार इनसे बचपन में मिला हूँ गाइस। और जैसे इन्होंने बोला ना तू काफी ज्यादा बड़ा होगा, तो आप भी इस बात से समझ गए होंगे कि मैं इनसे बचपन में ही मिला था। पर चलो कोई नहीं, तो चलते यार फटाफट घर पे। यार ये भी पीछे बैठी हुई, अब तो धीरे चलानी पड़ेगी, कहीं ना शिकायत वगैरह ना लगा दे, क्योंकि आपको पता ही है ऐसी ये बूढ़े लोग ऐसी होते चला कर, थोड़ा ऐसे ना शिकायत वगैरह भी लगा देते, तेरी भूतनी के। और ये छोटा सा पिद्दू और बिठा दिया गाइस, देखिए सकते हो, यहाँ देखो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो ये देखो इसके सर सर दिख रहा होगा भाई, क्या सीन है ड्राइवर अंकल जी का लड़का। गाइस आपको कुछ इस बारे में पता तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना यार, मेरे को तो कुछ नहीं पता इस बारे में। और मैं तो फटाफट घर लेके जा रहा हूँ गाड़ी, क्योंकि मेरे को ये कन्फ्यूजन पैदा कर दी भाई मेरे दिमाग की, इनकी शादी कब हुई है ड्राइवर अंकल जी की भाई, ये तो बताओ मुझे पहले, पता नहीं क्या लफड़ाबाजी चल रही है। तो चलते गाइस फटाफट घर पे, और फिर आपसे मिलते हैं। तो ठीक है गाइस, बस पहुंचने ही वाले हैं हम घर पे, और मैं तो कंफ्यूजन में पूरे रास्ते ऐसे आंगा बांगा गाड़ी चला के आया हूँ कि ये क्या सीन हो रहा है, ये मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे चलो कोई दिक्कत नहीं, अब घर के पास पहुंच जाऊंगा, पिताजी से सीधी कंफ्यूजन सारी दूर करवाऊंगा, क्योंकि वही बता सकते हैं फिर क्या सीन है क्या नहीं, कब क्या है ये, मतलब ये मामला सही भी है फिर झूठ बोला जा रहा है। ओके तो देख ही सकते हो गाइस, और हम बस पहुंच ही गए घर पे। ओके तो धीरे धीरे चलाएंगे, अरे 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 यहाँ घर के पास तो बिल्कुल धीरे चलानी पड़ती है गाइस। अरे अरे भाई इंडिकेटर तू दे रहा है, मैंने देख ऐसी आंख बच गया भी गाड़ी कुछ हो नहीं, तेरा तो कितर गया कीटाणु से तेरी ऐसी कर देता। तो देख ही सकते हो गाइस घर के बाहर मैं पहुंच चुका हूँ। ओके तो दादी जी पीछे बैठी, और वो लोंडा देखो देख रहे हो आपको दिख ही रहा होगा हल्का हल्का, देखो यहाँ आगे बैठा है भाई बनाए से सलमान खान, आगे तो मैं भी नहीं बैठता जितना चोड़ में ये बैठा हुआ है। पर चलो कोई नहीं गाइस, तो आप देख ही सकते हो ड्राइवर अंकल जी का लड़का होगा, तो फिर तो इसके साथ मैं मजे लूंगा इतने सारे। देख ओ भाई मतलब हमारे पिताश्री इनका वेलकम के लिए बाहर खड़े हुए हैं। ओके तो देख ही सकते हो गाइस, पिताजी
आ गए हम। चलो यार आजो आजो आजो। अरे हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते। और क्या हाल है, क्या हाल है सबके? अरे माइकल तेरे क्या हाल है? अरे हेलो हुलो तो होती रहेगी। दादी जी आप एक काम करो, अंदर चलो ना, अंदर बैठते चिल करके तो ठीक है गाइस। एक बना इनको अंदर अंदर बैठा देता हूं, फिर आपसे बातचीत वगैरह करता हूं कि क्या सीन है, पिताजी से पूछता हूं। तो ठीक है गाइस, गाड़ी से मैंने बैग बुक भी निकाल के उनके अंदर रख दिए हैं। पहले तो वो जाएंगे, मतलब थोड़ी देर में जाएंगे खाना खुना खाने के बाद, और पिताजी अंदर ही है, मैं उनसे पूछता हूं। ड्राइवर जी की जो माता सी है वो ऊपर बाथरूम में गई है। यार पिताश्री मेरे को एक बात बताओ आप, ये जो ड्राइवर अंकल जी का लड़का कैसे है ये? अबे बाद में बताऊंगा, दिमाग ना खा तू मेरा, ठीक है? समझा, घोचू कहीं के दिमाग खा रहा है? अरे नहीं मेरे को जानना यार, बताओ बताओ बताओ। ले भाई जानना है तो बात सुन लो। तो देख बात ऐसी, जो ड्राइवर अंकल है ना तेरा, उसके पहले शादी हुई थी, पर शादी तो हो गई थी, पर जो उसकी लुगाई थी ना, अब तो उसको तेरे को पता है वो दारू दूरू पीता था, तो शादी तो हो गई थी पर उसकी लुगाई भाग्य उसे छोड़ के, ये सीन हो गया था। अब उसको भी नहीं पता कि इसका बच्चा है ड्राइवर को। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई जैसे कि आपने सुने ना, ड्राइवर अंकल जी की पहले शादी हुई थी, जब बच्चा बुच्चा नहीं था तो उनकी जो बीवी थी, मतलब जो उनकी वाइफ वगैरह थी, वो उन्हें छोड़ के चले गई थी क्योंकि इनकी हरकतें की वजह से। फिर जो ये इसकी दादी है ना, ये लॉस सैंटोस में रहने लग गए थे सारे ही, तो अब आप देख रहे। तो पर जो इसकी माता जी है ना गाइस, जो अब मतलब ड्राइवर अंकल की जो वाइफ थी, वो जो बच्चे को अपनी इसकी जो दादी के पास ही छोड़ के चले गई, और वो पता नहीं कहाँ रहती है अब। तो देख रहे तो कैसे क्या क्या सीन है। बाकी अगर आप चाहते हो जो वो लड़का है उसके सिंगल व्लॉग, जब वो अपने पिताजी से मिलेगा पहली बार, तो कमेंट करके जरूर बताना, वो व्लॉग हम बिल्कुल बनाएंगे। हालांकि मैं अब उस बच्चे के पास जाके थोड़ी किडिंग वगैरह जरूर करूँगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बाकी ना वो सोफे पे चढ़ा होगा गाइज, क्योंकि देख ही सकते हो, ये देखो हरामी, ऐसे सोफे पे तो मैं कभी नहीं चढ़ा जितना देख रहा हूँ। मेरे को तो माता जी कूट कूट के मेरी ऐसे ही कर देगी। और देखो वो कीटाणु से सोफे के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो होप करता आपको वीडियो में मजा आएगा। तो जैसे कि आपने देखा आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया ड्राइवर अंकल जी को लड़का है वो दिखा दिया, अब ये कल या परसों शायद अपने पिताजी से मिलने जाए पहली बार। अब देखो ड्राइवर अंकल जी को तो पता भी नहीं है गाइस कि उनके उनका एक लड़का भी है, जैसे कि पिताजी ने भी मुझे ये चीज समझाई। बाकी एक बार कंफर्म कर देता हूँ, पिताजी ड्राइवर अंकल जी को पता नहीं ना कि उनका एक लड़का भी है? नहीं पता, उसे नहीं पता कि उसका लड़का है। तो ठीक है गाइस, आपने देखा कि उनको पता ही नहीं है कि उनका एक लड़का भी है। तो क्या होगा जब ये बोलेगा कि मैं आपका लड़का हूँ, मैं आपका लड़का हूँ? तो ये पूरा रिएक्शन आप देखना चाहते हो, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो ठीक है, मिलता है सबसे अगली एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, चंगा फिर अगली वीडियो।